हेलो फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री। वेलकम टू कुक विद शगुन। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो इस गर्मी में हमें चाहिए कुछ ठंडा खाने को। तो आज हम बनाएंगे रॉयल फालूदा, बट हम फालूदा कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं। इसमें हम फालूदा सेव का उपयोग नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए कि आपको रेसिपी कैसी लगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे बेजिल सीड्स, जिसको सब्जा भी बोलते हैं और गुजराती में तखमरिया बोलते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक बड़ी चम्मच लिया है और उसमें मैंने डाला है आधा कप के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और उसको 25 से 20 मिनट या 30 मिनट तक उसको रेस्ट करने देंगे, यानी कि वो अपने जो जेली फॉर्म में आ जाएगा। तो हम उसको रेस्ट करने देते हैं। और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ से एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में मैंने एक टेबल स्पून घी लिया है। उसमें मैंने डाला है हाफ कप सेवई। आपके पास रोस्टेड सेवैया हो तो आपको रोस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे मुझे रोस्ट करना है तो मैंने इसको एक टेबलस्पून घी में इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। मैं गैस की फ्लेम मीडियम रखूँगी और उसको कंटिन्यूसली हिलाते रहूँगी क्योंकि वो नीचे से जल ना जाए। और हमें इसको बनाना है गोल्डन ब्राउन कलर तक। जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हमें सेवैया को रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी सेवैया रोस्ट हो चुकी है तो हम उसको एक साइड करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटे से बाउल में लिया है 2 बड़े चम्मच वैनिला कस्टर्ड पाउडर और उसमें मैंने डाला है 3-4 टेबलस्पून मिल्क डाला है और उसको मिक्स करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिलाना है, इसमें कोई लम्स गांठें नहीं रहनी चाहिए। मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मीठी सेवैया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेम कढ़ाई में डाला है 350 ml के करीब मिल्क डाला है और इस मिल्क में मैं डालूँगी 6 से 7 बड़ी चम्मच शुगर डालूँगी। शुगर आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक उबाल आ चुका है तो यहाँ पे मैं डालूँगी अब जो हमने रोस्ट करी थी सेवैया, वो मैं सेवैया इसमें डालूँगी और उसको कंटिन्यूसली मैं हिलाती रहूँगी। और सेवैया को तब तक पकाना है जब तक हमारी सेवैया सॉफ्ट ना हो जाए, और ये सेवैया पकने में करीब 5 से 7 मिनट लगता है। तो यहाँ पे हमारी सेवैया है वो पक चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे जो हमने वेनिला कस्टर्ड स्लरी कर बनाया था वो डालेंगे। और स्लरी डालने के बाद हम इसको कंटिन्यूसली 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर भी हम गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसको कंटिन्यूसली स्टर करेंगे, वरना वो नीचे चिपक जाएगा।
तो 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो कस्टर्ड सेवैया है वो बिल्कुल रेडी है, एकदम थीक और क्रीमी लग रही है ना। तो अब इसको हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे करीब 15 से 20 मिनट जब तक वो चिल्ड ना हो जाए। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा सर्विंग ग्लास लिया है, आप कोई भी ग्लास ले सकते हो, छोटा बड़ा कोई भी ले सकते हो। और इस पे यहाँ पे मैंने डाला है रोज़ सिरप। रोज़ सिरप को मैं एजिस पे किनारे पे ड्रिप कर रही हूँ रोज़ सिरप को, और रोज़ सिरप मैंने 1 टेबलस्पून ग्लास के अंदर भी फर्स्ट लेयर में डाला है। जो फालूदा होता है ना उसमें जो रोज़ सिरप होता है उसका ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे बेजिल सीड्स, जो हमने सोक करके रखे थे सब्जा, वही हम डालेंगे 2-3 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे, उसकी हम लेयर करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो मीठी सेवैया हमने तैयार की थी कस्टर्ड वाली, उसका हम लेयर करेंगे, वो भी हम 2-3 टेबलस्पून रखेंगे। आप अपने हिसाब से भी आप लेयर कर सकते हो, आपको सब्जा सीड अच्छे लगते हो तो आप उसकी लेयर ज़्यादा रख सकते हो, आपको ये सेवैया अच्छी लगती है तो उसकी लेयर ज़्यादा रख सकते हो, फ्रूट अच्छे लगते हो तो उसकी भी लेयर रख सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हो, बट यहाँ मैंने सब इक्वल रखा है। यहाँ पे मैंने फ्रूट में लिया है अनार, चीकू, सेब, ग्रेप्स और बनाना लिए हैं। आप यहाँ पे ब्लैक ग्रेप्स भी ले सकते हो, आप कोई दूसरा भी फ्रूट ले सकते हो, आपको जैसा वो पसंद आए वैसा आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने जो लेयर की है वो सब्जा की है, 2 टेबलस्पून सब्जा लिए है यहाँ पे, और उसके ऊपर अब मैं जो लेयर करने वाली हूँ वो होगी सेवैया कस्टर्ड की लेयर। थोड़े से अनार के दाने से मैंने उसको ऊपर डेकोरेट किया है, वो क्या होता है कि लुक वाइज वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मैंने जो ग्लास है उसके एजिस पे लगाया है रोज़ सिरप, आप ये स्किप भी कर सकते हो। और अब मैं उस पर डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिया है बादाम, काजू और पिस्ता लिया है। आप किशमिश आपके पास हो तो आप किशमिश भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और उसके ऊपर मैंने डाला है वेनिला आइसक्रीम, आप वेनिला आइसक्रीम की जगह पे कोई और दूसरा भी आइसक्रीम ले सकते हो जो आपको पसंद आता है। और इस पर मैंने ये थोड़े अनार के दाने डाले हैं और मैं रोज़ सिरप ऊपर से डालूँगी उसको, तो देख रहे हो ना वो कितना लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।